जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं महालक्ष्मी साधना के ऊपर, जो कि 13 सितंबर से शुरू होने वाली है। 13 सितंबर से महालक्ष्मी साधना करेंगे साधक साधिकाएं, जिन्होंने हमसे जानकारी ली है महालक्ष्मी साधना के लिए। तो ये जो साधना है, इसमें जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप इसे जो साधना विधि आपको उपलब्ध कराई गई थी, वैसे ही इस महालक्ष्मी साधना को करना है। और ये जो साधना होगी, ये 13 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगी। इसमें जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत रख सकते हैं। एक समय भोजन कर लीजिए आप रात्रि में। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप बिना व्रत रखे भी ये साधना करेंगे, तब भी आपको ये जो साधना होती है इसकी सिद्धि मिलेगी आपको, क्योंकि व्रत रखने से तपोबल बढ़ता है, पवित्रता बढ़ती है, इसीलिए व्रत रखने के लिए कहा जाता है। अन्यथा बिना व्रत रखे भी आप इस साधना को कर सकते हैं 13 सितंबर से 28 सितंबर तक। साथ में इसमें जैसे हमने आपको कहा था कि कथा भी जो है महालक्ष्मी की आप पढ़ सकते हैं, तो वो जो कथा होती है वो कथा व्रत के साथ पढ़ी जाती है। तो जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको कथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको भी कथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब साधारण जो महालक्ष्मी योगिनी साधना में जो आपको विधि दी गई है उसके अनुसार जाप ही महत्वपूर्ण होता है। हवन आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये जो साधना है, जितने भी साधक कर रहे हैं वो साधना विधि वही रहेगी जो आपने पहले हमसे ली है, वही विधि से साधना करना है आपको 16 दिन, उसी से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब इसके अलावा महालक्ष्मी व्रत होता है, जो महालक्ष्मी व्रत और कथा जो इसकी सुनी जाती है वो अलग चीज होती है। उसमें महालक्ष्मी जी का हर साल ये व्रत रखना होता है, और इसका जो उद्यापन होता है वो 16 वर्षों के बाद होता है, यानी कि 16 वर्षों तक जो 16 दिन के व्रत धारण करता है, रोज कथा जो महालक्ष्मी की है वो पढ़ता है, और इस तरह से जो व्रत धारण करता है वो 16 वर्षों तक करता है, वो अलग साधना होती है। वो एक प्रकार का व्रत धारण करना होता है, वो अलग सेवा होती है। हम जो ये आपको साधना करवा रहे हैं ये वो 16 साल वाली नहीं है, ये जो साधना है ये 16 दिन की है, और इसे 16 दिन में ही आपको एक बार में पूरा करना है। अगले साल करने की कोई इसमें अनिवार्यता नहीं होती कि अगले साल भी आपको करना है, ऐसा नहीं, एक ही बार आपको ये साधना करनी है। क्योंकि ये जो 16 दिन होते हैं महालक्ष्मी के होते हैं, इसमें अष्ट लक्ष्मियां, जिनकी भी साधना कोई भी साधक करना चाहता हो या फिर महालक्ष्मी की जो विधि हम आपको देते हैं उसके अनुसार अगर आप साधना करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। मतलब कि जैसे कि नवरात्र होते हैं, नवरात्र में साधना का जप का इतना ज्यादा महत्व होता है, वैसे ही इस समय महालक्ष्मी की साधना का भी विशेष महत्व होता है इन 16 दिनों में। इसलिए जो साधक साधिकाएं महालक्ष्मी साधना इन 16 दिन में करेंगे उनको प्रत्यक्ष रूप से इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम ये साधना आप लोगों को करवा रहे हैं कि आप लोग ये साधना कीजिए। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं अगर आपको रखना हो एक समय का, अगर आप चाहें तो आप व्रत ना रखें तब भी साधना आप कर सकते हैं। जाप करना महत्वपूर्ण होता है। महालक्ष्मी जी की पूजा में आप सामग्री जो सामान्य घर में जो उपस्थित हो वही सामग्री उपयोग करनी है। प्रसाद आप घर में बना लीजिए, हलवे का बना लीजिए, या घर में ही आप कुछ भी आपके पास जो प्रसाद के रूप में सामग्री उपलब्ध हो वो चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए, जो भी सामग्री है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। अलग से कोई सामग्री की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। साथ में इसमें देवी जी का जो आप जैसे कि साधना कर रहे हैं तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि घर में पवित्रता बना के रखना है। आपको जाप प्रतिदिन करना है, जाप आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात्रि को कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है समय की, आप जिस समय चाहें आप उनका जाप कर सकते हैं। साथ में इस जो साधना है इसमें अगर मान लीजिए आप हवन करने में आप सक्षम हैं, हवन आप कर सकते हैं, तो प्रतिदिन आप 16 दिन तक हवन कर सकते हैं। और जो कुछ एक साधक कह रहे थे कि मैं एक प्रतिदिन एक नारियल गोला चलाकर जो पूर्णाहुति दूंगा, तो ये भी आप कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप एक नारियल का गोला चढ़ा सकते हैं, 16 दिन के 16 गोले आप चढ़ा सकते हैं, आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप शाम को हवन करके आरती करके उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भोजन नहीं ग्रहण करें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें व्रत आप रखते हैं तो एक समय आप भोजन कर सकते हैं, ये इसमें छूट दी गई है आप लोगों को। साधना है इसको बहुत ही सात्विक तरीके से और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी साधक कर सकता है, और आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। हर मनुष्य के ऊपर हर देवी देवता का कोई ना कोई संबंध होता ही है, हर देवी देवता की कृपा की आवश्यकता पड़ती ही है। कभी आपको पितृदेवों की आवश्यकता पड़ेगी, कभी आपको भगवान विश्वकर्मा की आवश्यकता पड़ेगी जिससे आपको घर भवन सबका सुख प्राप्ति हो, कभी आपको सरस्वती की आवश्यकता पड़ती है माता,
कभी आपको माता महालक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी को आवश्यकता तो पड़ती ही है, इसीलिए सभी लोग ये साधना कर सकते हैं। और जो भी साधक की साधना करते हैं महालक्ष्मी की, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि सिर्फ ये कोई साधारण पूजन पाठ नहीं है कि आप बस पूजन पाठ करेंगे श्रद्धा से हो गया, नहीं, महालक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त होगी आपको। महालक्ष्मी देवी स्वयं आपको सिद्धि के रूप में प्राप्त होंगी, आपके घर में देवी जी का स्वयं वास्तविक निवास होगा, ये शक्ति आपको प्राप्त होगी इस महालक्ष्मी साधना को करने से। और ये सात्विक रूप होता है, जो हम साधना करवा रहे हैं ये सात्विक रूप होता है, पवित्र स्वरूप होता है महालक्ष्मी का। जो विधि आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है उसी विधि से आपको ये साधना करना है। हवन जो होता है, हवन के लिए आप अलग से विधि हमसे ले सकते हैं आप, तो जैसा अगर किसी को हवन करने में कोई समस्या हो या हवन विधि किसी के पास नहीं हो तो आप अलग से एक बार ले लीजिए तो आपको आसानी होगी। बाकी जितने भी साधक साधिकाएं हैं, सामग्रियां जिन्होंने ली उनको तो क्या विधि दी है, या व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे कई बार जब आप नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए क्षमा करना। तो साधना जो ये आप करेंगे तो इसमें साधना के दौरान आपको ये विचार करने हैं, पूरे साधना काल में आपको ये विचार करना है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी तकलीफें हैं आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रही हैं, कौन कौन सी चीजों को आपको ठीक करना है, कौन कौन सी तकलीफों को दूर करना है, आप कैसे अपनी इन समस्याओं से बाहर आएंगे, ये सारी चीजें आपको विचार करना है साधना के दौरान। जब आप साधना के दौरान, जब आपका जप चल रहा होता है, जब आपका मन भटकता है, उस समय अगर आप इस विषय में सोचेंगे कि आपकी जो समस्या है उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे इनसे बाहर आया जाए, तो विश्वास मानिए कि देवी शक्ति जब आपको सिद्ध होती है तो आपके मन में अपने आप जो विचार आना चाहिए वो देवी शक्ति स्वयं प्रदान कर देती है, जिससे कि आप गलत रास्ते पर ना चलें। देवी स्वयं आपके मन में अच्छे विचार लाती है, देवी स्वयं आपके मन में ऐसे विचार लाती है जिससे कि आप निर्णय ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए, ये देवी की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। तो ये सारी चीजें अपने आप देवी माँ जो होती हैं वो आपके अंदर उत्पन्न करती है। साथ में आप जो भी काम काज करना चाहते हैं, जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं या जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, उसमें हर पल देवी आपकी सहायता करती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मेरे अंदर योग्यता होगी, अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होऊंगा, अगर मैं अच्छा काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन इस समाज में ऐसा होता नहीं है। देखो, लिखी बातों में और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति जो एक प्राइवेट जगह पे स्थान पे जाके काम करता है, नौकरी करता है, वहां पर वो देखता है कि उसके मेहनत करने के बाद भी, उसका सब कुछ अच्छा करने के बाद भी भेदभाव होता ही है, चाहे वो प्राइवेट जगह हो या सरकारी जगह हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, भेदभाव लोगों को कहीं ना कहीं देखना ही पड़ता है। इस चीज से कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं, अभी हमको थोड़ी सी सर्दी है इस वजह से हम बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको हर जगह होती हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, आपको भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। तो जिस व्यक्ति के पास सिद्धि होती है, जिस व्यक्ति के पास देवी जागृत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में उपस्थित होती है उसके साथ, उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के रास्ते में कोई भी अड़चन उत्पन्न नहीं कर सकता। जब भी ऐसा मौका आता है, जब आपको जीवन में आगे बढ़ना होता है तो आप ही आगे बढ़ते हैं, आपका अधिकार कोई और नहीं मार पाता है, ये देवी की कृपा होती है। व्यक्ति के साथ किसी न किसी देवी सिद्धि का या शक्ति का साथ में होना बहुत आवश्यक है यदि वो समाज में आगे बढ़ना चाहता है। तो बहुत लोग अपने जीवन में घिसते रहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि समाज में उनको मान सम्मान मिले, जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लोग उनका सपोर्ट करें और वो मान सम्मान के साथ बहुत आगे बढ़े, चाहे उसको आप राजनीति की बात करें या फिर यूं ही अगर अपने समाज में कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसका एक ही कारण होता है कि उनके साथ किसी सिद्धि का साथ नहीं होता, किसी देवी शक्ति का साथ नहीं होता। विश्वास मानिए कि जो लोग साधना कर लेते हैं, जो लोग सिद्धि पा जाते हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष सिद्धि ना हो, भले ही आप किसी देवी शक्ति को आपने देखा ना हो, लेकिन जब अप्रत्यक्ष सिद्धि भी हो जाती है आपके साथ, जब कोई देवी शक्ति आ जाती है, तो आप इस जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप आगे जाते हैं, आप रुकते नहीं है, कहीं से भी कहीं तक आप रुकते नहीं है और आप उन्नति करते हैं। इसीलिए आप लोगों को साधना करना ही चाहिए, हर व्यक्ति को साधना करना ही चाहिए। और ये जो 13 सितंबर से 28 सितंबर तक की जो लोग साधना करेंगे, साधना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर दिन बस एक माला महालक्ष्मी की अगर आप जप करते रहेंगे तो देवी की जो शक्ति होगी वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और आपको जीवन में उन्नति भी मिलती जाएगी। साधना जो ये होती है बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप जीवन में कोई मनोकामना को लेकर साधना करते हैं तो बार बार साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आप साधना करते हैं, देवी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, उसके बाद वो बार बार आपकी सहायता करती है जब जब आपको आवश्यकता हो देवी की सहायता की। कहीं भी आपका काम रुक रहा हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो देवी आपकी अपने आप सहायता करती रहती है। बस यही है कि आप कभी कभार
15 दिन में, महीने में एक बार घर में हवन कर लीजिए आप, या फिर एक महीने में भी ना कर पाए तो 2 महीने में एक बार हवन कर लीजिए आप। प्रतिदिन आप एक माला जाप कर लीजिए, एक माला ना कर पाए तो 5 मिनट उनका जाप कर लीजिए हाथ जोड़कर, इतना ही काफी है। एक बार जब सिद्धि मिल जाती है तो बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि सिद्धि मिलने के बाद क्या वो चली जाती है या हमको क्या करना पड़ता है जिससे वो बनी रहे। तो भाई आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको तो बस 5 मिनट उनको याद करना रहता है, 5 मिनट बस आप उनका मन में जप कर लीजिए तो भी सिद्धि बनी रहती है जीवन भर। अब हवन करने की कोई अनिवार्यता नहीं होती कि सिद्धि मिल गई तो आपको हवन करना रोज जरूरी है, अगर रोज करते हैं तो सिद्धि बढ़ती जाती है, 1 से 2 सिद्धि, 2 से 3 सिद्धि, सिद्धि अपने आप बढ़ती जाती है आपकी। हवन अगर प्रतिदिन करते हैं तो सिद्धि की शक्ति बढ़ती जाती है, ये होता है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि हवन करते रहो नहीं तो सिद्धि चली जाएगी, ऐसा नहीं। हवन आप महीने में, 15 दिन में, 7 दिन में भी अगर एक बार करते हैं तो शक्ति बढ़ती है। जिन लोगों को अपनी सिद्धि को शक्तिशाली बनाना है और ज्यादा आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर हवन करें प्रतिदिन या सप्ताह में एक दिन, तो आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा वो आपको लाभ देती है। जो देवी शक्तियां होती है वो माता रूप में बहुत लाभ देती है, माता रूप में जो लोग भी साधना करते हैं उनकी बहुत सहायता करती है शक्तियां। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महालक्ष्मी साधना 13 सितंबर से 28 सितंबर तक जो भी साधना ये लोग करेंगे, जो साधक साधिकाएं करेंगे, उनको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि महालक्ष्मी के ही दिन है, पूजा के, व्रत के, उनके जाप करने के। बाकी महालक्ष्मी व्रत अलग चीज होती है, 16 दिन के जो व्रत चलते हैं, जो 16 साल तक का संकल्प लेते हैं वो अलग चीज है, उस पर हमने वीडियो अभी नहीं बनाया है, वो अलग चीज है, वो उसको इससे आप जोड़ के मत देखिएगा। ये तो सिर्फ साधना है, महालक्ष्मी की सिद्धि की साधना है, ये जो 13 सितंबर से 18 सितंबर तक आप करेंगे, 28 सितंबर तक करेंगे, ये सिर्फ साधना है आपकी, ठीक है। तो इसको आप ये एक ही बार करना है, एक बार कर लेंगे उसके बाद ऐसा नहीं है कि बार बार करने की जरूरत है, एक ही बार करना है। तो ये है साधना महालक्ष्मी की जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं 13 सितंबर से, आप कीजिए और आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो ये थी जानकारी महालक्ष्मी साधना के ऊपर जो कि 13 सितंबर से शुरू होने जा रही है। अभी तक के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।